सोनीपत में आज इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। यहां पर इनेलो की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए सुरेंद्र छिकारा के नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए अभय चौटाला पहुंचे थे। अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज बीजेपी प्रत्याशियों का जनता विरोध कर रही है। आज जो लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आज जो 10 की 10 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, आज उनकी हालत ऐसी है। सबसे पहले किशन पाल गुर्जर की टिकट की जब इन्होंने घोषणा करी, फरीदाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया, तो किशन पाल गुर्जर ने जो इनका कलराज मिश्र जो प्रभारी लगे हुए हैं उनको साथ लेकर के पिथला गांव के लोगों से रूबरू होने के लिए गए। कहीं जाकर के ये देखना चाहते थे कि लोग हमारा स्वागत किस तरह से करेंगे, लेकिन उनको तब जाकर के इस बात का एहसास हुआ कि लोग स्वागत नहीं, लोग तो केवल और केवल विरोध करने के लिए इकट्ठा होने का काम करते हैं। किशनपाल गुर्जर जब मंच पे पहुंचा तो लोग अपनी सीट से खड़े हो गए और खड़े होकर के विरोध में नारे लगाने लगे। वहीं कांग्रेस के पास भी प्रत्याशी घोषित करने के लिए नाम और चेहरे नहीं है। खुद कहां खड़ी है तो बता दे, कोई जगह, कोई आदमी, कोई जगह कुछ है? यहाँ कोई सोनीपत में तुम्हें कोई कांग्रेस का जसपा का प्रत्याशी नजर आ रहा है या कोई और ऐसी जगह पे कहीं जहाँ यूँ लग रहा हो कि आज बड़ी चुनाव की फाइट में खड़ा है? कि तो हमने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कुछ अपने लोगों को एजेंट के रूप में हमारे पास भेज रखा है। अब वो चीज़ सामने आ गई। अब तो गठबंधन के लिए रोज एक दूसरे के चरणों में रहते हैं बेचारे। अभय सिंह चौटाला ने दावा करते हुए कहा कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल चौंकाने वाले परिणाम देगी और सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि आज जनता कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त है और दोनों पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। साथ ही आगे आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। अब जहाँ तक सवाल है चुनाव में मतदाता ने फैसला करना है कि वो किसको अपने यहाँ से चुन करके भेजे, लेकिन 100% हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है मतदाता को जाकर के जब वो अपनी बात रखेगा तो मतदाता उस पर विचार करेगा और हमारे प्रत्याशी को जिताएगा। बीजेपी 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है और कह रही है विकास कार्य जो है हमने अच्छा काम किया इसलिए जो है जनता का साथ उन्हें मिलेगा, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बीजेपी के जितने भी नेता अब तक वोट मांगने गए मुंह पे काली तो लोगों ने पूछ ली, बाकी कसर कोई छोड़ी। कंचन टीवी के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।